हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज मैं आपको इस खूबसूरत से पौधे लैंटाना के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसको कैसे हम घर पर ग्रो कर सकते हैं और कैसे इसकी केयर करें और कैसे हम लैंटाना के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेड कलर के लैंटाना के फूलों का पौधा है। ये देखिए, बहुत सुंदर इस पर ये फूल खिलते हैं लैंटाना के। तो फ्रेंड, इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले इसकी मिट्टी के लिए बात करते हैं। इसकी मिट्टी जब भी आप बनाएं लैंटाना के पौधे को लगाने के लिए, तो इसके लिए आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। मिट्टी बनाते वक्त आप एक हिस्सा अपने पुराने गमलों की मिट्टी, एक हिस्सा खाद, चाहे आप गोबर की लें या फिर वर्मी कम्पोस्ट यूज़ करें या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कम्पोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक हिस्सा इसकी मिट्टी में आप सैंड मिलाइए, जिसको रेत भी कहते हैं। पुराने गमलों की मिट्टी एक हिस्सा और एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रेत, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप इस लैंटाना के पौधे के लिए मिट्टी तैयार करें और उसमें इस लैंटाना के पौधे को लगाएं। अगर आपके पास नीम की खली या बोन मील हो तो वो भी आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं इसकी मिट्टी में, जिससे कि इसमें फूल बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे और काफ़ी ज़्यादा फूल आएंगे। तो ये देखिए, अभी मेरे भी ये पौधे दोनों बहुत अच्छे से फूल दे रहे हैं। इसके पौधे को आप बोनसाई बनाने के लिए भी यूज़ लगा सकते हैं। अगर आपको बोनसाई बनाने का शौक़ है तो आप इसके पौधे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें तो इसका बोनसाई बहुत अच्छे से बन सकता है। तो अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। जो लैंटाना का पौधा है, ये थोड़ा सा ड्राई एरियाज़ का पौधा है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। पूरे इंडिया में आप इसको कहीं भी आसानी से उगा सकते हैं। तो इसके पौधे को आप सबसे पहले तो आप इसके वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए, जिस मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा रुके ना उस मिट्टी में लगाएं। और आपने जब इसको पानी देना है तो आप ये ध्यान में रखें कि जब भी इसके पौधे की जो मिट्टी है ऊपर से हल्की हल्की सी आपको ड्राई दिखे तब आप इसको पानी दें। रोज़ रोज़ इसको, इसके गमले को पानी से मत भरिए। अगर पहले से मिट्टी गीली है तो आप इसको पानी मत दीजिए। और जब भी आपको सॉइल का सरफेस हल्का सा सूखा लगे, जो सॉइल के ऊपर की ऐसी जो लेयर है, अगर ये आपको हल्की सी ड्राई लगे तो आप इसमें पानी दीजिए, वरना रोज़ रोज़ इसमें पानी मत दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जो है इसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर, जब इसकी मिट्टी हल्की सी ड्राई होगी तभी आप इसको पानी दें और ओवर वाटरिंग ना करें, तो इसकी पत्तियाँ पूरी बहुत अच्छी, ये देखिए जैसे अभी मेरे पौधे में है, पूरी ग्रीन है और अच्छे से चमक रही हैं। ऐसी इसकी पत्तियों में जो है चमक आती है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी बहुत देखने में पुदीने के जैसी भी लगती हैं। कुछ जगहों पर ये पौधा जंगली पौधों की तरह उगा होता है प्लॉट्स में और खेतों वगैरह के साइड में, खेतों में ये और खाली जगहों पर ये जंगली पौधे की तरह उगा होता है। वो थोड़ी इसकी जंगली वैरायटी होती है, उसकी पत्तियां भी थोड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन आजकल नर्सरी में इसकी जो ड्वार्फ वैरायटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसकी ड्वार्फ वैरायटीज़ अगर आप गमले में लगाएं तो ये बहुत अच्छे से फूल देती हैं पूरा गर्मी का सीज़न। ये एक परमानेंट पौधा है, पूरा साल आपके पास रहेगा, लेकिन इसके जो फूल हैं ये सिर्फ गर्मियों में ही आते हैं। तो इसके लिए खाद की बात कर लेते हैं। जब आपने पौधे को लगाएं तब तो आपने एक हिस्सा मिट्टी में खाद मिला दी, उसके बाद आप इसे हर महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो आप इसको बना कर दें। थोड़ा थोड़ा इसकी मिट्टी में डालते रहें, जिससे जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र है उससे प्लांट को बहुत जल्दी जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड हम बनाते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में से प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत जल्दी प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिससे कि आपके पौधे में फूल बहुत ज़्यादा आएंगे और जल्दी जल्दी आएंगे। और इसमें आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए एक काम करना है। ये देखिए, फूल जब खिलते हैं इसके ऐसे गुच्छों में फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल खिलकर, और इसके बाद ये देखिए ऐसा सीड पॉट बन जाता है। इस पर अभी सीड नहीं बना, लेकिन बाद में इस पर सीड्स बनने लगते हैं। आप इसको कैंची से या फिर अपने नाखून से ऐसे तोड़ दें, कैंची से आप इसको काट दें ताकि इस पर जो है सीड्स ना बने। अगर इस पर सीड्स बनने लगेंगे तो प्लांट की जो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो सीड्स बनने में लगने लगती है। तो आप टाइम टू टाइम इसके जो ये डेड हेड होते हैं फ्लावर खिलने के बाद ये बनते हैं, इनको आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए ताकि आपके पौधे पर सीड्स ना बने।
अगर आपको सीड्स की ज़रूरत हो और आपने सीड्स से और ज़्यादा पौधे तैयार करने हैं तो आप इसको लगा सीड्स बनने दे सकते हैं। इस पर ब्लैक कलर के काली मिर्च जैसे बीज बनते हैं। जो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या फिर आप नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप दे सकते हैं। अगर आपको उनके बारे में वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसके पौधे को आपको बस यही ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना है और इसको बहुत कम पानी भी ना दें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ही कम पानी देंगे, गर्मियों में भी अगर आप इसे 2 से 3 दिन तक पानी ना दें तो इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिर जाएंगी और फिर नेक्स्ट बार ही पत्तियाँ आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यह पौधा जल्दी मरता नहीं है। आप इसको ज़मीन में ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर पूरी धूप आती हो, क्योंकि ये पूरी धूप में अच्छे से इसके फूल खिलते हैं। अगर आप किसी छायादार जगह में लगा देंगे इस लेंटाना के पौधे को, अगर आप इसको छाया में लगाएंगे तो वहाँ पर इसके फूल ना तो बहुत ज़्यादा आएंगे और ना अगर आएंगे भी तो अच्छे से नहीं खिल पाएंगे, पौधा ढीला सा हो जाता है छाया में लगाने पर इसका। इसके पौधे को आप बोनसाई के लिए लगा सकते हैं। ये देखिए मेरे भी इस पौधे में, अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो इसकी जो वुडी ब्रांचेज हैं ये देखने में ऐसे लगती हैं जैसे कि ये छोटा सा कोई पेड़ हो, तो आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। और इस लंटाना के पौधे में कोई ज़्यादा इसको बीमारी वगैरह नहीं लगती, आप इसको आसानी से घर पर गमले में ग्रो कर सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगाना चाहें तो बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा ना तो इसमें पेस्ट लगते हैं, अगर आप इसको छाया में रखेंगे तब इसमें मिलीबग वगैरह लगते हैं, अगर इसको पूरी धूप में लगाएंगे तो इसमें ना तो कोई पेस्ट आएंगे और ना ही इसमें कोई बीमारी लगेगी। और इसकी जो पत्तियां हैं और फूल हैं इनमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, कुछ देसी दवाइयों में भी इसका यूज़ किया जाता है इस लंटाना के पौधे की पत्तियों का, इनकी पत्तियों के रस वगैरह का इसमें कई देसी दवाइयों में यूज़ किया जाता है। और इससे इसकी पत्तियों और फूलों से हम जो है पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि हम लंटाना के पौधे की पत्तियों से हम पेस्टिसाइड कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने गार्डनिंग लवर फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।